अटलांटिक महासागर पृथ्वी के 20% हिस्से पे फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इस महासागर में ज्वालामुखियां, तरह तरह के जीव जंतुओं और कई तरह के रहस्य छुपे हुए हैं, जिसके बारे में वैज्ञानिक लगातार पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अटलांटिक महासागर के बारे में कुछ रोमांचक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों को जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक से लेकर दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका तक फैले अटलांटिक महासागर में दुनिया की कई सारी खतरनाक मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। अटलांटिक महासागर में दुनिया के सभी सागरों की तुलना में अधिक मात्रा में मछलियां पाई जाती है। पूरी दुनिया में सिर्फ प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली टारपोन मछली भी यहाँ पाई जाती है, जो बेहद ही खतरनाक है। टारपोन मछली अपने शिकार पर 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह मछली लगभग 2.5 मीटर लंबी होती है। इस विशाल महासागर के अंदर कई तरह की रहस्यमयी चीजें हैं। अटलांटिक महासागर के अंदर कई सारी वनस्पतियां ऐसी हैं जो खुद के बल से चमकती है, क्योंकि अटलांटिक महासागर के गहराइयों तक सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं सकता है। ये अल्ट्रावायलेट रंग की चमक बिल्कुल ही नेचुरल है। अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि यह दुनिया की कुछ बड़ी नदियों को अपने अंदर समा लेता है, जिसमें अमेजन नदी, कांगो नदी, राइन नदी, भूमध्य सागर की नदियां और बाल्टिक समुद्र में बहने वाली सभी नदियां शामिल है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा ज्ञात क्षेत्र मिलवॉकी द्वीप है, जो महासागर के नीचे 27,841 फीट की गहराई पर मौजूद है। इसकी खोज सन 1939 में अमेरिका के मिलवॉकी नौसेना ने की थी और उन्होंने ही इस श्रृंखला का नाम मिलवॉकी द्वीप रखा। अटलांटिक महासागर में एक ऐसा हिस्सा है जिसके रहस्य से आज तक कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है। इस रहस्यमयी जगह ने कई सारे जहाजों को अपने अंदर निगल लिया है। इस रहस्यमयी जगह का नाम है बरमूडा ट्रायंगल। अटलांटिक महासागर की गहराई में एक विशाल पर्वत श्रृंखला है, जिसका कुछ भाग बाहर से भी दिखाई देता है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम मिड अटलांटिक रिज्ड है। यूनेस्को के अनुसार इस श्रृंखला का ज्यादातर हिस्सा अटलांटिक महासागर के भीतर ही स्थित है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अटलांटिक महासागर का समुद्री तट प्रशांत महासागर के समुद्री तट की तुलना में सिर्फ 28,000 किलोमीटर ही छोटा है। अटलांटिक महासागर में दुनिया के किसी भी महासागर से ज्यादा टाइड्स यानी ज्वार आती है। अटलांटिक महासागर को दुनिया के सभी महासागरों में युवा माना जाता है। यह महासागर जौरासिक पीरियड यानी कि डायनासोर के काल के सामने आया था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।